सलमान खान को धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। हाल ही में सलमान खान को उनकी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस ने गन रखने का लाइसेंस भी दे दिया है। इस पर अब कमाल आर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सलमान का नाम लिए बिना एक्टर परेशान साधा है। कमाल आर खान ने पोस्ट शेयर कर लिखा, वो बुढ़ऊ मुझसे क्या मुकाबला करेगा जो एक किसी लुखे की धमकी से डर गया, सिक्योरिटी लेकर डरा डरा घूम रहा है। केआरके का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। यशराज फिल्म की हिट फ्रेंचाइजी धूम के चौथे पार्ट को लेकर ट्रेड सर्किट में दोबारा चर्चाएं हो रही हैं। आगे चौथे पार्ट में बतौर नेगेटिव लीड अक्षय कुमार को कास्ट करने की तैयारी है। मेकर्स ने पृथ्वीराज के वक्त ही अक्षय कुमार को धूम 4 के लिए भी अप्रोच किया था। अक्षय कुमार ने पैंडेमिक से पहले रजनीकांत के अपोजिट नेगेटिव लीड वाली फिल्म रोबोट 2.0 की थी। अब फिर से उनके चाहने वाले उन्हें नेगेटिव लीड में देखेंगे। सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज से पहले सुर्खियों में बनी हुई है। मूवी को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड को तूल पकड़ता देख आमिर खान का रिएक्शन आया है। उन्होंने लोगों से फिल्म देखने की अपील की। आमिर के बाद अब करीना कपूर ने भी बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड पर रिएक्ट किया है। करीना कपूर ने एक मैगजीन में कहा कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आज हर किसी की एक आवाज़ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हर किसी का विचार है, तो इसलिए अगर ऐसा होने जा रहा है तो आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखना होगा। भारती सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे गोला के साथ एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भारती अपने 3 महीने के बच्चे के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं। महारानी 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ह्यूमा कुरैशी एक बार फिर ओटीटी पर महारानी बनकर लौटने को तैयार है। ह्यूमा ने ट्रेलर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस राजनीतिक ड्रामा सीरीज में ह्यूमा कुरैशी के अलावा सोहम शाह, अमित सियाल, मोहम्मद आशिक हुसैन, इनामुल्लक, विनीत कुमार और तनु विद्यार्थी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।